एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आ गई हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग के साथ अपने। तो अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है, हस्बैंड को भेज दिया है स्कूल, वो नाश्ता वगैरह करके जा चुके हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं अपने लिए कुछ नाश्ता बनाने। बेटा स्कूल नहीं गया है तो अभी के लिए सरप्राइज है, बनाने जा रही हूँ कुछ और देखेगा खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं आप लोगों को कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ जुगाड़ से। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई सब्जी के सैंडविच या टोस्ट कह लो आप, टोस्ट बनाने जा रही थी। तो ब्रेड रखे हुए थे और सब्जी बची थी शाम की, तो मैंने कहा चलो जुगाड़ करके कुछ बना लेते हैं नाश्ते में। और ये ना बेटे को बहुत पसंद है और अब मतलब इसको देखने के बाद वो बहुत खुश हो गया था। तो फिलहाल अच्छा तो मुझे भी लगता है और ठीक रहता है ना यार, सब्जी भी फिकने से बच जाती है। इसके लिए सबसे पहले ब्रेड को मैंने हल्का सा शेक लिया, उसके पास जो बची हुई सब्जी थी मैंने मैश कर ली थी उसको और उसके बाद लगा लिया है ब्रेड के ऊपर और ऊपर से मैंने लगा दी है सॉस उसके अंदर। और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस हल्का हल्का सॉस लगा दी है। और सॉस लगाने के बाद दोनों को ना किया गया ब्रेडों को एक दूसरे पर रखने के बाद उसको मैंने ट्राइंगल शेप में काट लिया है। और काटने के बाद मैंने तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर दोनों तरफ से उसको अलट पलट कर सेक लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए इस तरीके से एक दूसरी ब्रेड इसके ऊपर से रख दी है और इसको रखने के बाद ना मैं काट दूँगी इसको, पहले लेकिन सेकूँगी, सेकने के बाद ही काटूँगी मैं इसे। तो ये देखिए तवा चढ़ा दिया है मैंने और इस पर हल्का सा देसी घी लगाया है, डालडा नहीं लिया है फ्रेंड्स, ना ही मैंने रिफाइंड लिया है। और वो लगाने के बाद मैंने ये देखिए इस तरीके से लगा दिया है इसे मैंने, और फिर दोनों तरफ से मैं इसको अच्छे से मैं इसी पे सेक लूँगी। और बनने के बाद फ्रेंड्स बहुत अच्छा यम्मी बना था ये टोस्ट खाने में। तो आप लोग भी अगर आपकी सब्जी बच जाती है रात की तो आप उसे फेंकिए मत, अगर नहीं खाने का मन कर रहा है तो आप उसका इस तरीके से टोस्ट वगैरह बना के खा सकते हैं चाय के साथ, नाश्ता बन जाता है और बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए बनकर रेडी हो गया है, मैं काट के दिखाती हूँ आप लोग आपको। आप इसमें चाहे तो मेयोनी लगा सकते हैं तो, और उसके बाद चीज़ लगा सकते हैं, वो और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन जाएगा उसको। तो मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने फ़िलहाल ऐसे सिंपल सा ही बना लिया जिससे कि मेरी सब्जी भी फिकने से बच गई और नाश्ता का नाश्ता मेरा तैयार हो गया। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये तरीका। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम लोग नाश्ता। तो आ जाइए, जिसको भी चाय और टोस्ट का नाश्ता करना है तो फटाफट से आ जाइए, गर्मा गर्म टोस्ट और चाय तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना लग रहा है ना यमी यमी था, तो खाने में भी यमी था फ्रेंड्स। तो फटाफट से जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ लंच। और ये देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं और आज चावल के साथ बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी, और बेसन और मट्ठे वाली कढ़ी बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मट्ठा आया हुआ था ना तो हस्बैंड ने कहा कि कढ़ी बना लो और काफ़ी टाइम हो गया था कढ़ी नहीं बनी थी। और ये देखिए मेरी सासू माँ ने मट्ठा भेजा है तो मैं कहा चलिए कढ़ी बना लेती हूँ, और थोड़ा खट्टा भी है ना मट्ठा तो मैं कहा कढ़ी अच्छी लगेगी इसकी, और खट्टा मट्ठा वैसे भी ये नहीं खाते हैं। तो नाश्ता वगैरह फ्रेंड्स सबका हो गया है और अभी एक बार फिर से मैंने अपना ये देखिए एक बार इसमें नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद फिर दोबारा से इसको क्लीन किया मैंने पूरा, क्योंकि मुझे भोग लगाना होता है लड्डू गोपाल को। तो मैंने कहा चलिए अच्छे से साफ करके मैं फटाफट से लंच बना लेती हूँ अपना। तो और मौसम फ्रेंड्स इतना ज़्यादा ख़राब है ना, धूप देखने को भी नहीं मिल रही है, बहुत गंदा मौसम हो रहा है, पता नहीं क्या कैसे होगा। और इसी वजह से ना मैं भागवत भी नहीं सुनने जा पा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, उनको दिक्कत होने लगती है, और अगर वो नहीं जा रहे तो उनके पास किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नहीं जा पा रहे तो मैं भी नहीं जा पा रही हूँ, और यहीं से सुनते हैं हम दोनों ही लोग। तो यह एक चलो सुनने से मतलब भगवान का नाम कान में पड़ना चाहिए कैसे भी हो। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपनी कढ़ी की तैयारियाँ जल्दी से, और बनाना है फटाफट से लंच क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा खाने का इनके। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी।
तो फ्रेंड लंच में बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बेसन जो है छल्ली से छान लिया है। इसके लिए बनाऊंगी सबसे पहले फुलौरियाँ। तो कहीं कहीं पे इसको पकौड़ी कहते हैं, बट हमारे यहाँ जो कढ़ी में डाली जाती है ना उसको फुलौरी कही जाती है। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है, बेसन में डाल दिया है नमक टेस्ट के अनुसार और थोड़ा सा डाल दिया है जीरा मैंने आधा चम्मच के करीबन। और इन सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके मैं इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी, यानी घोल गाढ़ा ना, जो कि मतलब पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा घोल होना चाहिए इस टाइप का कुछ। तो ये देखिए अभी बनकर रेडी हो गया है, तेल भी गर्म हो गया है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से अपनी फुलौरियाँ। तो फ्रेंड्स याद रखें घोल को घोलने के बाद ना कम से कम 4 से 5 मिनट तक उसे छोड़ दीजिए वैसे ही, और फिर अच्छे से फेंट कर ही बनाइएगा। जब फेंट के बनाएंगे तो बहुत अच्छी फुलौरियाँ सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनेंगी। और ये देखिए इस तरीके से मैं इनको छोटी छोटी फुलौरियाँ जो है इसमें काट लूँगी, और इनको अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें से मतलब फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इसको फ्राई भी नहीं करना है। जो हमें कढ़ी में डालनी होती है ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते हमारे यहाँ, तो खाने वाली जो होती है उसको तो आप थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा फ्राई कर सकते हो। तो ये देखिए अभी मैं इस तरीके से डाल दूँगी इन सारी फुलौरियों को और फटाफट से इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं फ्राई इन्हें, आप लोग देखिए वीडियो। उनका तो चलता रहता है। तो फ्रेंड्स अभी फुलौरियाँ बन गई, तो बना तैयारी कर रही कढ़ी के लिए। तो ये देखिए मट्ठा ले लिया, मट्ठे वाली कढ़ी बनानी है। तो मट्ठे में पहले बेसन का अच्छे से घोल तैयार कर लेना है हमें, पतला घोल तैयार करना है फ्रेंड्स। और ये देखिए तड़का डाल दिया है मैंने, तड़का वाला वीडियो स्किप हो गया था, इसमें मैंने मेथी दाना और कड़ी पत्ता डाला है और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले जो है उसका घोल कर डाल दिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन तीनों का अच्छे से एक घोल घोल कर तैयार कर लिया था मैंने। और ये देखिए मेरी फुलौरियाँ रखी हुई है साइड में, और पहले अच्छे से मसाला मैंने पका लिया है। और जब मेरा मसाला अच्छे से पक गया तो ये देखिए मैंने जो घोल तैयार कर रखा है इसको मैं डाल दूंगी। और फ्रेंड्स इसको जब भी डालें ना तो चला डालने के बाद इसे लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है, रोकना नहीं है, नहीं तो इसके क्या है ना बेसन के का लम्स वगैरह बन जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है। और इसमें अभी हम जितना भी इसमें पानी हमें ज़रूरत है हमने डाल दिया है इसके अंदर। और कढ़ी को स्टार्टिंग में हमेशा पतला रखें क्योंकि पकने के बाद ना ये वैसी गाढ़ी हो जाती है। और डाल दिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम धीरे धीरे इसे आधे से पौने घंटा तक हम पकाएंगे, क्योंकि कढ़ी जितना ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। और फुलौरियाँ भी मैंने अभी डाल दी है इसमें। तो फ्रेंड्स अभी मैंने जो कढ़ी है ना कढ़ी में तड़का लगा दिया है और चावल मेरे बन गए हैं, आटा मेरा गूंद गया है। तो जब तक कढ़ी धीरे धीरे पकेगी इधर से निकाल लूँगी रोटियाँ, बहुत ज़्यादा है हाथ काम नहीं कर रहे हैं, क्या करूँ। हमारे घर में देखो इतने सारे लोग हैं, सब मेहमान आ रहे हैं, बेटियाँ आ रही हैं, उनके बच्चे आए ना, कम बची हुई है। चलिए मैं अभी आपको सबसे मिलवाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी जो कढ़ी थी ना वो मेरी पकने लगी थी और गाढ़ी होने लगी थी, तो इसमें मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया है इसको, और उसमें थोड़ा सा फिर अलग से पानी में और ऐड करूँगी, और जैसे जैसे पकती जाएगी कढ़ी भी मैं उसमें डालती जाऊँगी फ्रेंड्स। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि कढ़ाई थोड़ा छोटी है, पकने में थोड़ा सा दिक्कत दे रही थी। और ये देखिए पकने के बाद मैंने निकाल लिया दूसरे बर्तन में, और जो पहले निकाल के रखी थी उसको मैंने इसमें डाल दिया जिससे कि अच्छे से पक कर तैयार हो जाए फ्रेंड्स। तो कढ़ी को अच्छे से पकाइएगा। तो फिलहाल अभी ये देखिए कढ़ी बनकर रेडी हो गई है मेरी, और ये देखिए यहाँ पर बच्चे जो है मस्ती कर रहे थे और कुछ लोग नहाने जा रहे थे। तो क्या है ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि कुछ कहने की नहीं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है और जिसकी वजह से बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है, मतलब पानी में तो हाथ ही डालने का मन नहीं करता है। और कपड़े देखिए ऊपर से नीचे तक पूरे फुल हैं, और ये देखो यहाँ पर दोनों भाई बहनों की कुछ बातें हो रही है। कोमल है ना वो उसे कुछ लाने के लिए कह रही थी, तो वही वो तंग कर रहा था कि इतना सारा सामान इकट्ठा लाने को कह रही हो तुम, मैं नहीं ला पाऊँगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं खाना बना रही थी, मैं फटाफट से बना रही थी खाना, और आप लोग देखिए वीडियो और इन्जॉय करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दें आप लोग। तो चलिए बना लेती हूँ फटाफट से खाना, फिर मिलती हूँ मैं उसके बाद आपको। तो फ्रेंड्स अभी खाना वगैरह बन गया है, लंच वगैरह कर लिया है हमने, और अभी होने जा रही हूँ रेडी भागवत सुनने के लिए। तो ये देखिए अभी ये वाली साड़ी पहनने जा रही हूँ मैं, तो जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए क्योंकि भागवत जो है स्टार्ट हो गई है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और
चेंज करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, यही हो रहा जो पहन रखा वही पहन कर चले जाए, लेकिन नहीं फ्रेंड, बहू हूँ ना, बहू होने का यही तो, ये देखिए ये पहनूंगी, क्योंकि आज बोला है कि येलो कलर के कपड़े पहनो यार, प्रॉपर येलो तो लिए, दो डबल शेड में है तो पहनने का। चलिए फ्रेंड पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए, रेडी हो गए, इनको तैयार कर दिया है, और अभी इनको इनकी व्हीलचेयर प्लस साइकिल कह सकते हो, बाइसिकल गाड़ी जो है इनके इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे हम। और जब से ये वाली व्हीलचेयर इनको मिली है ना तो बहुत आसान हो गया है इनके लिए, कहीं भी आना जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और ये देखिए अभी इस पर इनको ट्रांसफ़र करा दिया है, और जो इसकी जो आगे वाला पोर्शन है जिसमें कि मोटर लगी हुई है वो इसमें अटैच हो जाएगी ना, तो फिर ये फिर से कहीं भी चले जाते हैं आराम से, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको, बस हेल्प की ज़रूरत इतनी ही पड़ती है कि इनको इनकी इस व्हील चेयर पर ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये पैर जो आप देख रहे हो ना सीधा, ये फ्रेंड्स इनका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद ये सीधे रहने की वजह से ना अभी मुड़ता नहीं है पूरा, तो इसको सीधे ही रखना पड़ता है, तो दिक्कत यही होती है, और बाकी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए अभी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और अब ये चले जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग भी रेडी होंगे। और ये देखिए मेरी जेठानी का लड़का बैठा हुआ है, जेठ का लड़का, बड़ी वाली जेठ का लड़का है, और उसको तो आप जानते ही हो मेरा बेटा है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ फटाफट से। हे एवरीवन, तो ये देखिए अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने आज ये पहनी है ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन की साड़ी, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और निकल रहे हैं अब हम लोग भागवत के लिए। और शॉल लेना है क्योंकि मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी मैंने कोई दूसरा शॉल तो नहीं निकाला फ्रेंड्स, चलिए जो निकला हुआ है ना पहले का मैं वही ले लूँगी, अब और नहीं निकालूँगी, क्योंकि क्या है ना कि मौसम तो वैसे ही इतना ख़राब हो रहा है, इसमें जितने कपड़े निकाल लो उतने कम है। तो चलिए चलते हैं भागवत सुनने, तो आप लोगों को भी मैं वहाँ का थोड़ा सा बहुत अंश रिकॉर्ड करके जरूर दिखाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, लेकर आऊंगी रिकॉर्ड करके। तो चलिए चलते हैं, देखिए अभी हम लोगों को रेडी निकल रहे हैं भागवत सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं करती हूँ, और क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो भागवत का ब्लॉग है वो मैं अलग दूसरा बनाऊँगी, मैं दूसरे ब्लॉग में दिखाऊँगी आप लोग को, तो फिलहाल मैं ये ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।